उत्तर भारतीय राज्यों से निकलकर चोटी कटवा गिरोह का खौफ अब कश्मीर घाटी में पसर गया है। यहाँ पिछले दिनों में चोटी काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। खास बात यह है कि उत्तर भारत में रात के अंधेरे में आने वाला चोटी चोर यहाँ बुरके में आ रहा है। चोटी काटने वाले गिरोह की दहशत का ही आलम है कि गांवों और कस्बों में प्रेमी जोड़े पिछले कई दिनों से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार घाटी के ही डेलिना में एक आशिक नईम मल्ला की उस समय पिटाई कर दी गई थी जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने गांव आया था। दरअसल उसे चोटी काटने वाले गिरोह का सदस्य समझ लिया गया था। बुरके में रिश्तेदार की शादी में जा रही इकरा और निजात भी चोटी चोर की आशंका में मारपीट का शिकार हो गईं। चोटी काटने की वारदात का शिकार हुई एक महिला का मानना है कि चोटी काटने वाले बातचीत से स्थानीय लोग नहीं लग रहे थे। दूसरी ओर खौफजदा लोगों ने अनंतनाग में चोटी काटने वाला समझकर एक बुजुर्ग को ईंट मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ घाटी में प्रदर्शन भी हुए हैं। साथ ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है लेकिन हकीकत अभी खुलकर सामने नहीं आई है।